नमस्कार दोस्तों, मैं विधि विधान चैनल से पंडित रामकिशोर शर्मा आप लोगों के सामने नमस्कार राम राम करता हुआ। आत्मनिर्भरता के ऊपर जो हमारी बात पूर्व में चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम लोगों को शरीर से तन से भी आत्मनिर्भर बनना है और धन से भी आत्मनिर्भर बनना है। दो प्रकार की आत्मनिर्भरता जो है उसको अपने को करना है, तभी हमारा देश प्रदेश शहर परिवार भी आत्मनिर्भर हो सकता है। अब धन से आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यापार व्यवसाय नौकरी जॉब जो भी है वह करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है शरीर से। अब शरीर तन भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसके लिए यदि वह स्वस्थ है तो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन सकता है। तो शारीरिक आत्मनिर्भरता के लिए हमको जो इस समय नियम चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, दूरी जो तय की गई है उसके हिसाब से रहना, बार बार हाथ धोना, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना, ये सब चीजें हैं, इनको फॉलो करना है। करते हुए हमको इस महामारी बीमारी जो है उसके बीच में रहते हुए जीना सीखना है, वही आत्मनिर्भरता है। उसके लिए हम अपने शरीर को अपने घर परिवार को स्वस्थ रखें, किस प्रकार से रखें कैसे रखें, इसके लिए मैं आपको एक आध्यात्मिक पौराणिक धार्मिक उपाय बताता हूं जो कि पूर्णतः सफल आप लोगों के लिए होगा, आपके परिवार के लिए होगा, अपने देश शहर प्रदेश के लिए होगा, यह निश्चित रूप से सत्य है। धन के लिए आपको आत्मनिर्भर कैसे बनना है, आप यदि कोई बिजनेस करना चाहते हैं या आपकी नौकरी है या छूट गई है, उसके लिए आप बिंधेश्वरी चालीसा का पहले भी मैंने आपको बताया था, यह पूर्ण लाभ देने वाला प्रयोग है, यह मेरा व्यक्तिगत स्वयं का अनुभव है, इसको करने वाला कभी खाली नहीं जाता। बिंधेश्वरी चालीसा का 101 पाठ प्रतिदिन एक बैठक में बैठकर जो व्यक्ति करेगा उसको उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। जय बिंदवासिनी मां। दूसरा, अब हम अपने शरीर को अपने तन को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए एक महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, यह एक महामृत्युंजय मंत्र है जो पूर्व में भी पावरफुल था, जिससे कि मृत व्यक्ति में भी प्राण आ जाते थे। आज भी उस मंत्र में वह सामर्थ्यता है, लेकिन उसको अपने को श्रद्धा समर्पण और पूर्ण विश्वास के साथ करना, तभी हमको उसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र में संपुट लगाकर यदि इसको किया जाए, वह मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र हो जाता है। उसके लिए आपको इस मंत्र का संकल्प लेना पड़ता है, कुछ नियम के अनुसार इसको करना पड़ता है। इस प्रकार आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने तन को आत्मनिर्भर इस प्रकार से बना सकते हैं, जिससे हमारा परिवार, हमारा शहर, हमारा प्रदेश और हमारा देश, बल्कि ये पूरा विश्व जो हमारा परिवार है, मानव परिवार, वह सब आत्मनिर्भर बन सकते हैं और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
महामृत्युंजय मंत्र में आज भी वह सामर्थ्यता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अपने घर परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए इस महामृत्युंजय मंत्र को अपनाइएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और आप लोगों से निवेदन भी है। और यदि किसी को कोई बात समझ में ना आए, व्यक्तिगत रूप से वह पूछ सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे आपको और भी महत्वपूर्ण, जिससे आप तत्काल तुरंत में इससे लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसे ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी, ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे। नमस्कार, राम राम।